अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे अपने घर में। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आज करूँगी इन लिपस्टिक की स्वाचेस, और ये है नेक्स की स्मूथ वेप मैट लिप क्रीम। ठीक है, आई गॉट 1, 2, 3, 4, 5, 6 शेड्स इन इट, सो लेट्स ट्राई आउट। नजरों के सामने कल होगा नहीं कि तेरी और मुझको लेके चले ये दुनिया भर के सब रास्ते। तुझको देखे बिन मैं मरना जाऊं कहीं, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच। तो ये थी लिपस्टिक की स्वाचेस। अच्छा, अब मैं थोड़े से अपने थॉट्स बताती हूँ इस लिपस्टिक के बारे में। ये जो पुरानी वाला इनका जो फॉर्मूला था, मुझे यानी पता नहीं क्यों ज़्यादा अच्छा लगा। सबसे पहले तो मुझे ये शेड्स नहीं इतने ज़्यादा पसंद आए। जो पुराने वाले में बहुत ज़्यादा शेड्स थे, जो यानी बहुत नाइस नाइस से शेड्स थे, हर किस्म के, यानी हर स्किन टोन पे चल जाता और डिफरेंट किस्म के। मुझे लगा था ये मुझे शेड्स अच्छे लगे, लेकिन इतने ज़्यादा मुझे नहीं अच्छे लगे। ठीक है, एक बात जो अच्छी है दैट इज़ कि ये जो नया फॉर्मूला इनका आया है दैट्स वीगन, तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, प्राइस इसकी है 750 ईच, और इट इज़ वेरी स्मूथ ऑन लिप्स। जो बेसिकली इन्होंने लिखा हुआ है ना जी, स्मूथ विप मैट लिप क्रीम, तो बिल्कुल सही इन्होंने नाम बनाया हुआ है। जो हम लोग डबल क्रीम नहीं डालते केक वगैरह में या मीठे वगैरह में, जब उसको खा रहे होते तो एक क्रीमी सा आ रहा होता है ना टेक्स्चर, वैसे ही समझ लो वही क्रीम अगर आप होंठों पे लगा लें तो वही समझ लो इसका टेक्सचर है। ठीक है, और आप उसको कह सकते हैं जो हुदा ब्यूटी के बुलेट पावर लिपस्टिक, मेरे ख्याल से यही नाम था उसका, बस बिल्कुल सेम ही उसी की तरह ये फॉर्मूला है। ठीक है, यानी कि इट इज़ टोटली मैट, ठीक है, लेकिन स्टिल वेरी स्मूथ ऑन द लिप्स, वैसलीन टाइप का। ठीक है, तो ये था। और क्या कहना चाहूँगी इसके बारे में, हाँ एक दो शेड्स थे, यानी ये जैसे था और ये जैसे था, थोड़ा लाइटर टोन में आ रहा है ना ये, तो ये मुझे यानी दो तीन बल्कि चार दफ़ा टिंटुंग टिंटुंग करके लगाना पड़ा था, तो जाके वो फुल कवरेज हो रहा था। अदरवाइज़ सी थ्रू हो रहा था, ऑफ़ कोर्स जो आपके असली पर्पलिश मोंट हो रहे होते ना, ब्राउनिश, वो निकल के बाहर आ रहा था। तो ये भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा कि 10 दफ़ा मुझे लगाना पड़ रहा था। ठीक है, और इतना स्मूथली तो नहीं अप्लाई हो रहा था, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन जो ये पुराना फॉर्मूला था बड़ा स्मूथ होता था अप्लाई, तो इतनी ज़्यादा मुझे खुशी नहीं हुई है ये न्यू लिपस्टिक्स लेकर। लेकिन ऑफ कोर्स ट्राई करना था और आप लोगों को बताना था, तो हो सकता है ऑफ कोर्स आप लोगों पे डिफरेंट वो अप्लाई अप्लीकेशन की हो, ऑफ कोर्स सबका अपना डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होता है। तो खैर, ये थी रिव्यू इस लिपस्टिक के बारे में। ये लिपस्टिक अभी मैंने लगाई भी है, ऑलमोस्ट 1 घंटा मैंने खाना वाना खा लिया है और पानी वगैरह पी कर आई हूँ, यानी कुछ इतना ख़ास इसमें चेंज नहीं आया है। लेकिन आई थिंक अगर 2-3 या मैक्सिमम 4 घंटे बाद तो आपको ऑफ कोर्स टचअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी जी रिव्यू इस लिपस्टिक्स के बारे में। आई होप आप लोग ने इन्जॉय किया होगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ओ सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।